तो आज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिया मलिक। और अब हम करने वाले हैं से यस टू चैलेंज। तो बिया ने सबसे पहले मुझे सेलेक्ट किया है इसके लिए। बिया जो भी कहेगी मैं उसके आगे यस कहूँगी और वो जो भी काम होगा मुझे करना पड़ेगा। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने कहीं स्किप नहीं करना, मिस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि आप सिस्ट्रोलॉजी से यस चैलेंज करें सिस्टर के साथ। तो ये आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही हम लोगों ने ये चैलेंज करने वाले हैं। और तो आप लोग डिमांड करते हैं तो मैं ऐसी वीडियो लेके आती हूँ। और इसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं कैसी वीडियो आप लोगों के साथ लेके आऊँ और शेयर करूँ। तो आज हम करेंगे गोलगप्पा चैलेंज भी, क्योंकि हमने आज वो भी खाने हैं और वो भी आपको खा खा के दिखाने हैं, देखते हैं उसमें कौन जीतता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं से यस चैलेंज। वेलकम, लेट्स गो टू आवर व्लॉग, लेट्स गो। भी करूँगी है ना। तो गाइस अब मैंने फातिमा को एक टास्क दिया है कि वो जाए और बिल्ली को पकड़ के लाए। ये जो वाइट कलर की बिल्ली है आपको अब दिखा। सो ये आ चुकी है फातिमा और वो है हमारी कैटो, इसको आपने पकड़ के लाना है। और ये आपका चैलेंज है कि इसको लेके आए। वैसे ये स्ट्रीट कैट नहीं है, ये घरों में फिरने वाली है, ये आ जाएगी तुम्हारे पास। ओके, ट्राई कर। तो ये है फातिमा, गौ चले गई है और वो है हमारी कैटो। देखते हैं कि इसका ये टास्क है, उठा के लाना है। वाह, टास्क इज कंप्लीट। ओए ये क्या, ये तो ऐसे ऐसे तुम्हारे घर रहती है। ये घर ये गंदी गंदी मेरे पीछे से हटाओ। सो मेरे पास चैलेंज पे लगा दी, मैं जीत गई हूं। नेक्स्ट, तो ये हमारा जो चैलेंज है वो आप जीत चुकी हैं। और तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हें बर्गर खिलाना पड़ेगा जो कि मैं नहीं खिला सकती, क्योंकि तुम्हें पता भी आया कि डेट आखिरी तारीखें चल रही हैं, तो मेरे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या तुम पेंडिंग बर्गर नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें बाद में खिला दूँ? मुश्किल चैलेंज दी है ये, एक ये खतरों के खिलाड़ी वाला टास्क था। ये वाइल्ड एनिमल है और मैंने इसको उठाया भी। वाइट एनिमल हो, ब्राउन एनिमल हो, तुमने इसको उठाया ही है और क्या किया, कौन सा तुमने इसका मारका मार दिया है। और रैली जंगली है, ये है यहाँ का माहौल। और अब मैं दूसरा देख के आती हूँ गाइस उधर जाके के कौन सा टास्क दूँ। वैसे तो यहाँ पे कोई छिपकली वगैरह भी नहीं है और कॉकरोच भी नहीं है कि जो तुम खाओ। तो क्या कहूँ क्या कहूँ, वो जो है नहीं है जंप, उधर से तुमने जंप करनी है सबके सामने। उधर जंपर बना हुआ है ऊंचा सा, उसके ऊपर तुम चढ़ोगी और जंप करोगी। हाँ यस। सो गाइस अब ये निकल चुकी है अपने मिशन पे और अब देखते हैं कि ये इससे ये होता है कि नहीं। वैसे तो देखते हैं कि ये अपना जो वेट है वो उठा पाती हैं या नहीं। तो लेट्स गो, देखते हैं अब ये टास्क इससे कंप्लीट होता है कि नहीं। नहीं हो रहा, मुझे लगता है नहीं होगा। सो मुश्किल है, तो हार चुकी है एक, तो तुम चैलेंज हार चुकी हो, उसके ऊपर ही चढ़ना है। हाँ सो गाइस वहाँ पे ग्रंट है तो इसलिए वो नहीं आ जा सकती। तो ये जो है ना कैंसिल हम कर रहे हैं क्योंकि उधर करंट भी हो सकता है। तो हमने अपनी जान को ख़तरा थोड़ी देना है, हमने से यस चैलेंज खेलना है, हमने जान को ख़तरा नहीं देना। तो बाकी बिल्ली तो आपकी दीवानी हो चुकी है और अब यहाँ से नहीं जा रही क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आपके पीछे पीछे आगे पीछे फिरने के लिए। कैसे एक दिन में एक ही से यस चैलेंज होना है? फूल तोड़ के लिए क्यों? फूल तो तोड़ा जाएगा, फूल का क्या है। हाँ ये है कि तुम्हें कोई वॉचमैन ना देख ले। फूल का क्या है, फूल तो तोड़ा जाएगा। सो गाइस हमारी जो है वो टीम जा रही है फूल तोड़ने के लिए और ये भी बहुत बड़ा टास्क है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मना किया जाता है कि आपने फूल नहीं तोड़ने, और वॉचमैन बड़ी सख्ती से मना करके यहाँ पर जाते हैं कि आपने फूल नहीं तोड़ने। तो देखते हैं कि फूल तोड़ पाती है या नहीं। आई थिंक सो इसने तोड़ ली है, कोई कली शली तोड़ ली है। कली नहीं तोड़नी, गुलाब का फूल तोड़ना है। कली तो मैं भी तोड़ सकती हूँ, कली का क्या है, ये तो बहुत इजी टास्क है। तो एक दो हमें कपल नज़र आया है, वो दूर से एक कपल नज़र आ रहा है। तो अब ये जो कपल है इनसे भी कुछ हम लोग टास्क वगैरह करवाएँगे। आपको पता है नज़र आ रहा होगा या नहीं, काफ़ी दूर है वो कपल, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उधर को चले गए हैं और नहीं ये इधर चक्कर लगा रहे हैं, यहीं से गुजर रहे हैं,
ये देखें ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लू शर्ट पहनी हुई है लड़के ने और ब्राउन पहना हुआ है उसने कोई निकर, तो इसका पता नहीं माँ बेटा है कुछ भी है। तो अब हम इनसे भी कुछ टास्क वगैरह करवाएंगे, फातिमा इनको जाके तो किस करेगी या फिर कुछ और। नो मैनी कर रही है, ये है आपके फ्लावर। तो फ्लावर जो है वो हमारे फाइनली आ चुके हैं। वाओ कली, कौन सा था, कलियों का चमन जब खिलता है थोड़ा रेशम लगता है। तो अभी इस वक्त बिया को इतने अच्छे कमेंट्स मिले हैं कि बिया इतनी खुश है ना, क्योंकि उसने 10 kg जो वेट है वो कम किया है जिम से, और अब तो वो एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर काम कर रही है। और आप लोगों को भी बहुत सारी जो है, अगर आप लोगों को बेली फैट कम करने की ट्रेनिंग चाहिए तो ऑनलाइन क्लासेस मैं दे रही हूँ। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो बिया के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं वो सारी एक्सरसाइजेस जिससे बिया ने अपना वेट कम किया है और आप घर बैठे वेट कम कर सकते हैं। तो अभी फटाफट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रिजनेबल सी है। कॉन्टेक्ट करें हमसे और हम आपको देंगे जो है एक फॉर्म जिसे आपने फ़िलअप करना होगा, उसके बाद आप परमानेंट रजिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों का वेट जो है वो इतना ज़्यादा जल्दी कम होगा कि आप लोग कहेंगे कि अरे वाह ये तो जादू हो गया, जादू हो गया। हमारी शुरू में जो है, अगर आप लोग मेरी फ़ीस पूछना चाहते हैं तो मैं शुरू में सिर्फ 500 ले रही हूँ ऑनलाइन। तो अगर आप लोग ये पैकेज चाहते हैं और हमारी न्यूट्रिशन भी है जो आपको डाइट प्लान भी देंगी, नहीं उसके अगर आप ये पैकेज जो उनसे अगर आप ग्रैब करना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट मी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कम चार्जेस ले रही हूँ, सिर्फ 500 आज के ज़माने में लेकर रहा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट ये अपॉर्चुनिटी बस आज तक किया है, तो जल्दी फटाफट हमें कॉन्टैक्ट करें आगे, क्योंकि फिर मेरी बढ़ जाने आगे चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी हमें ज्वाइन करें, दे नहीं करें। तुमने लैंडस्केप में वीडियो क्यों नहीं बनाई? एक्चुअली मैं अपनी बना रही थी, बोलना नहीं है, मैंने वॉइस ओवर कर लेनी है। इस तरह वो कैमरा हिलेगा, हल्का हल्का हिल रहा है। आप तो मेरे कैमरे का रिजल्ट चेक करें। Two thousand years later. So, मैंने सिर्फ एक दफ़ा पार्लर से डाई करवाया और मैं आपको उसके नुकसान बता देती हूँ। लोकल पार्लर में बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि वहाँ जाने का नुकसान ये हो रहा है, ये देखिए मेरे बाल वाइट हो रहे हैं। और उसके कहने उसने कौन सा डाई यूज़ किया है मेरे बालों पे मुझे नहीं पता, बिकॉल उसके के वो एक बेस्ट डाई था और वो मेरे साथ मेरे बालों में जब लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा मेरे बाल प्यारे हो जाएंगे। बट विद इन अ टू वीक्स में मेरे बाल जो हैं वो वाइट हो गए हैं और मुझे नहीं अब समझ आ रही कि मुझे करना क्या है इसके साथ। और मुझे टेंशन अलग से हो रही है अपने बालों की, ना वाइट हो रहे हैं सारे बाल। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि रेवलॉन का जो कह रहे हैं ना कि डायर बहुत अच्छा है, मत ट्राई करें, बहुत ही उसके बैड रिजल्ट हैं। आपका स्कल एक तो जलना शुरू हो जाता है, सेकंड बाल आपके वाइट हो जाएंगे, तो उसके बाद आप रोएंगे धोएंगे बालों ने वापस नहीं आना। सो मैं सोचा आपको ये रिव्यू दे दूँ। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।